हाय फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। आप सभी को छठ पूजन की बहुत बहुत शुभकामनाएं। तो दीपावली के बाद जस्ट छठ पूजन होता है और ये त्यौहार बहुत ज़्यादा धूमधाम से मनाया जाता है। इस त्यौहार को मैं नहीं करती हूँ क्योंकि हमारे यहाँ नहीं होता है ये, पर ये त्यौहार मुझे पर्सनली बहुत ज़्यादा पसंद है। छठ पूजन बहुत हार्ड और बहुत ही जो ये त्यौहार होता है शाम से सुबह 24 घंटे चलता है। 24 घंटे क्या, मेरी जैसे फ्रेंड हैं वो बताती हैं। तो यहाँ पे आप सबके सामने मैं इस छठ पूजन की सारी वीडियोस को, अब हमारी सोसाइटी में जिस तरह से धूमधाम से बनाया गया वो आपके साथ शेयर कर रही हूँ। इस वीडियो को शेयर करते हुए मुझे बहुत अच्छा लग रहा है। आप सब भी देखिए छठ पूजन की पूजा विधि किस प्रकार से होती है। तो शाम कहते हैं, शाम ढलते हुए सूर्य भगवान की पूजा होती है और सुबह उगते हुए सूर्यदेव को जल दे के इस पूजन को कंप्लीट किया जाता है। बाकी के जो रीति रिवाज होते हैं वो अच्छी तरीके से वही जानते हैं जो इस त्यौहार को निभाते हैं और करते हुए आते हैं। तो हम बचपन से और हमारे जो अलग संस्कृति में जो हमारे त्यौहार आते हैं, हम उनकी अच्छी तरीके से तो नहीं, जितना भी हम देखते हैं अपने परिवार में उनको निभाते हैं। और ये छठ पूजन की वीडियो मैं भी खुद देख रही हूँ तो आपके साथ शेयर कर रही हूँ। होप सो आपको ये वीडियो ज़रूर पसंद आएगी। आप भी इस पूजा में शामिल होइए। और यहाँ पर देखो ये दीदी हैं, इनके घर से ही पहले शुरुआत होती है पूजा का। फिर यहाँ से शाम को कुछ जाते हैं जो पार्क में खुली हुई जगह में की थी, जहाँ पानी में खड़े होकर पूजा की जाती है। तो ऑफ कोर्स ये वीडियो आपको बहुत पसंद आने वाली है। तो चले जुड़िए रहिए इस वीडियो में और ज़रूर से लाइक कर देना। जिन्होंने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया प्लीज़ चैनल को भी सब्सक्राइब कर लेना और देखते रहें ये वीडियो। यह पर्व छठी मैया और सूर्य देव को समर्पित है। 4 दिन तक चलने वाले इस त्यौहार में मान्यता यह है कि छठ देवी सूर्य देव की बहन है और उन्हीं को प्रसन्न करने के लिए जीवन के महत्वपूर्ण अवयव में सूर्य व जल की महत्ता को मानते हुए इन्हें साक्षी मानकर भगवान सूर्य देव की आराधना, उनका धन्यवाद करते हुए माँ गंगा, यमुना या किसी भी पवित्र नदी तालाब के किनारे यह पूजा की जाती है। शीतली बहरिया शीतले दूजे पनिया, कब देव देवता तू आके दर्शनिया।